तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका टेक्निकल लवर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका समरसेबल पंप बार बार ट्रिप हो रहा है, कभी कभार क्या होता है मोटर चलाते ही तुरंत ट्रिप हो जाती है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ देर बाद ट्रिप होता है, ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो स्टार्टर पैनल दिखाई दे रहा है वो ड्यूल स्टार्टर पैनल है, और यहाँ पर जो रिले की रेटिंग है 13 से 21 एम्पियर की है, और यहाँ पर 7.5 HP समरसेबल पंप के साथ कनेक्टेड है। अब बात करते हैं, अगर आप अपने समरसेबल पंप को चलाते हैं, समरसेबल पंप चलने के 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या फिर 15 मिनट बाद ट्रिप हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो समरसेबल पंप है ज़्यादा करंट ले रही है सेट पॉइंट से। तो इस केस में आपको ये करना है, जो रिले की सेटिंग है उसको 1 से 2 एम्पियर बढ़ा देना, जिससे क्या जो ट्रिपिंग वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्या होता है, जब मोटर पुरानी होने लग जाती है तो उसका लोड है वो बढ़ जाता है और मोटर जो है ज़्यादा एम्पियर करंट लेने लग जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो रिले होती है उसकी सेटिंग को बढ़ा देना है। सबसे पहले आपको 1 एम्पियर बढ़ाना है। देखिए, यहाँ पर 14 पे रिले की सेटिंग थी, यहाँ पर मैंने 15 पे कर दिया। इस टाइप से आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 15 पे कर दिया। आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 एम्पियर बढ़ाना है। उसके बाद आपको समर्सियल पंप चला के चेक करना है, अगर ये फिर ट्रिप होती है तो आपको क्या करना है, 1 एम्पियर और बढ़ा देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 एम्पियर बढ़ाया था, 1 एम्पियर और बढ़ाना है, तो आप इस पॉइंट से इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इस टाइप से 16 पे कर दिया है। इसके बाद फिर आपको अपने समर्सियल पंप को चला के चेक करना है, ट्रिप तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रिपिंग वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, मोटर पुराने में लग जाती है तो क्या है, उसका लोड बढ़ जाता है, एम्पियर ज़्यादा लेने लग जाती है। तो हमें इसके सेट पॉइंट को बढ़ा देना है, तो ये जो ट्रिपिंग वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पास क्लाइंब मीटर है तो आप इसके लोड एम्पियर चेक करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पैनल को स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर 7.5 HP समर्सिबल पंप कनेक्टेड है इससे। तो यहाँ पर हम इसके लोड को चेक कर लेते हैं और इसकी रिले की सेटिंग कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्लाइंब मीटर ले लिया है। तो क्लाइंब मीटर पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे लोड चेक करने के लिए हमें इसे एम्पियर पर सेट करना है। देखिए, यहाँ पर जहाँ पर 200 लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया, और यहाँ पर जो इसकी रीडिंग है 0 हो गई है। अब यहाँ पर जो समर्सियल पंप है हमारे स्टार्ट हो गए, देखिए आर फेस पे हम आर वाले वायर पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो इसका लोड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर 13 एम्पियर के आसपास आ रहा है। तो देखिए, एक फेस पे हमारा जो लोड चल रहा है वो 13 एम्पियर चल रहा है, और वाई वाले वायर पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 12.9 आ रहा है, मतलब 13 के आसपास ही है। और जो ब्लैक वाली वायर है तो इस पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसका जो लोड आ रहा है यहाँ पर 12.4 है। तो यहाँ पर 12.5 से लेके 13 एम्पियर तक लोड चल रहा है इसके अंदर। देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जो रिले की सेटिंग है यहाँ पर हमें 13 या 14 के आसपास रख देना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर जो इसका लोड है वो 13 चल रहा है, तो यहाँ पर जो रिले की सेटिंग है हमें 14 रखना है। आपको चेक कर लेना है क्लाइंब मीटर से जो आपका समर्सिबल पंप है कितना लोड एम्पियर करंट ले रहा है। आपको 1 से 2 एम्पियर ही ज़्यादा रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। रिले की सेटिंग करते समय आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मेन सप्लाई ऑफ होनी चाहिए ताकि करंट ना लगे। और जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर इसका जो पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है इसको इस टाइप से मूव करके आप रिले की सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्लैंप मीटर नहीं है, आप चेक नहीं कर पा रहे कितना लोड एम्पेयर करंट ले रही है समरसेबल पंप, तो आपको क्या करना है, 1 या 2 एम्पेयर बढ़ा देना है। उसके बाद आपको चेक करना है, यहाँ जो मोटर जो समरसेबल पंप आपकी ट्रिप हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसको 14 एम्पियर पर सेट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर समर्सिबल पंप हमारी 7.5 HP की थी और 13 एम्पियर लोड करंट ले रही थी। अब बात करते हैं, जैसे आप अपने समर्सिबल पंप को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं तुरंत ट्रिप हो जाता है या फिर स्पार्किंग होती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो ऊपर जो मेन सप्लाई की वायर कनेक्ट होती है, जो 3 फेस कनेक्ट होता है, इसमें आपको सबसे पहले सप्लाई चेक कर लेनी है, तीनों फेस पर सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। तो देखिए, पहले वाले वायर पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है, दूसरे पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर सप्लाई आ रही है, तीसरे वाले में भी सप्लाई आ रही है। तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पर तीनों फेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कभी कभार क्या होता है, 2 फेस मिलते हैं, इसकी वजह से ये मोटर हाई एम्पेयर करंट लेने जाती है और तुरंत ट्रिप हो जाती है। तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। अब बात करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई आ रही है फिर भी यहाँ पर जो हमारा समरसिबल पंप है तुरंत ट्रिप हो जा रहा है, तो आपको ये चेक करना है, जो इसमें जितने भी टर्मिनल्स को चेक कर लेना, कोई भी टर्मिनल लूज ना हो, सारे टर्मिनल को टाइट कर देना। क्या होता है, लूज़ कनेक्शन होने की वजह से भी मोटरों को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो जितने भी आपको टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, और फिर आपको चेक करना है दोबारा चला के। यहाँ पर अगर आप फिर चलाते हैं, अगर मोटर फिर भी ट्रिप होती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जो मोटर है उसमें प्रॉब्लम है। तो इस केस में आपको अपने समर्सिबल पंप को चेक करना है, या तो इसकी वाइंडिंग प्रॉब्लम है या फिर इसकी वायर शॉर्ट है, जिससे क्या होता है चलाते ही तुरंत ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको रिले की सेटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।